नमस्कार दोस्तों, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम आपको वास्तुकला का एक शानदार नमूना दिखाएंगे। इस तरह की वास्तुशिल्प आपने पहले नहीं देखी होगी, अगर देखी भी होगी तो वो इससे कमतर ही होगी। आपने इटली के लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा के बारे में तो सुना ही होगा। इसे वास्तुकला का अब तक का सबसे शानदार उदाहरण मानते हैं। ये इमारत अपनी नींव से 4 डिग्री झुकी है। करीब 54 मीटर ऊंची पीसा की ये मीनार झुकने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पर आज आपको पीसा की मीनार से भी खूबसूरत एक मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसके आगे सारे वास्तुकला फेल हैं। ये मंदिर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। मंदिर वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने है, जिसे रत्नेश्वर मंदिर के तौर पे जाना जाता है। जी हाँ, मंदिर का नाम है रत्नेश्वर। ये मंदिर भी पीसा की तरह अपनी नींव से 9 डिग्री झुका है और इसकी ऊंचाई 13.14 मीटर है। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद अलौकिक है। सैकड़ों सालों से ये मंदिर एक ओर झुका हुआ है। मंदिर को लेकर कई तरह की कहानियां भी फैली हैं, लेकिन आज भी ये रहस्य का विषय है कि पत्थरों से बना ये वजनी मंदिर टेढ़ा होकर भी सैकड़ों सालों से कैसे खड़ा है। इसकी एक और खास बात ये है कि वाराणसी में गंगा घाट पर जहां सारे मंदिर ऊपर की ओर बने हैं, तो वहीं रत्नेश्वर मंदिर घाट के नीचे बना है। घाट के नीचे होने के कारण ये मंदिर साल के 6 महीने गंगा नदी के पानी में डूबा रहता है। बाढ़ की स्थिति में नदी का पानी मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है। स्थानीय पुजारियों के मुताबिक इस मंदिर में केवल 2-3 महीने ही पूजा पाठ हो पाता है। लोगों के मुताबिक वाराणसी में कई मंदिरों और कुंडों का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। उनके शासन काल में उनकी दासी रत्नाबाई ने मणिकर्णिका घाट के सामने शिव मंदिर बनवाने की इच्छा जताई और इस मंदिर का निर्माण कराया। उसी दासी के नाम पर इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर पड़ा। रत्नेश्वर मंदिर को लेकर कुछ दंत कथाएं भी फैली हैं। स्थानीय लोग इसे काशी करवट भी कहते हैं। वहीं कुछ लोग इसे मातृ ऋण मंदिर बताते हैं। किसी ने अपनी माँ के ऋण से उऋण होने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन यह मंदिर टेढ़ा हो गया। ऐसे में कहा गया कि माँ के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, यानी इसका मतलब है कि हम कभी भी अपनी माता का ऋण नहीं चुका सकते। वास्तुकला के अनुपम नमूने सिर्फ दुनिया के बाहर ही नहीं, हमारे देश में भी हैं। अगर गौर किया जाए तो ये वास्तुकला कई रहस्यों को खुद में समेटे हुए हैरान परेशान करती है।